आते हैं हम अब स्टूडियो के अंदर एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आई वुड कॉल इन तनुजा जी. गुड इवनिंग तनुजा जी. हाय, प्लीज कॉल मी तनुजा प्लीज. हाँ, गुड इवनिंग तनुजा. हमारी बात हो चुकी थी, डील बन चुका था कि मैं तनुजा बुलाऊंगा. तो तनुजा आपका स्वागत है. शुक्रिया. लॉकडाउन वगैरह की बातें नहीं करेंगे, हम उससे लड़के बाहर निकल चुके हैं. और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो डायरेक्टोरियल जर्नी, ये जो राइटिंग की जर्नी है जो चालू हुई, ये मेरे ख्याल से हुई है बचपन से, क्योंकि आपकी मामा वॉज रेनाउंड राइटर एंड शी हैज डन थ्री वंडरफुल फिल्म्स विच वी ऑल नो. प्रेम रोग, 1942 अ लव स्टोरी एंड चांदनी. बट दैट अपार्ट, लिटरेचर के साथ उनका बहुत जबरदस्त लगाव था, क्योंकि आपके नाना जी शायद टीचर थे जी, तो बचपन से पढ़ाई का एक माहौल था. तो क्या ये अच्छे शब्द, बोलचाल की भाषा अच्छी होना, अच्छा होना और कहानियां सुनना आपके माइंड को उस तरह से ट्यून करता और वहीं से धीरे धीरे तैयार हुआ? तो ये कहानी इन शॉर्ट, वहां से आपका यूएस पहुंचना और यूएस से लेके ये जो आपने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई है आपके बुआओं के ऊपर, इसकी जर्नी इन शॉर्ट लेके चलिए, फिर अपन एक एक स्पेसिफिक्स पे आएंगे. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली हमारे घर में और लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी. जब हम बचपन में जब हम छोटे थे तो द थिंग दैट माय डैड यूज्ड टू ऑलवेज ब्रिंग फॉर अस, कुछ और तोहफा इतना उनके लिए जरूरी नहीं था हमको देना, एज मच एज बुक्स. He used to only buy encyclopedias, books, and my brother was a all-time, मतलब constantly reading. He was always reading. हम भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि हमको पढ़ने का शौक था, कहानियों का शौक था. मेरी माँ को कहानियाँ लिखने का शौक था. So I think he, we've always, all of us except my father, वो एकमात्र बेचारे हैं जो he was in the world of chemicals ज़्यादा rather than कहानियाँ. और वो ज़्यादा फिल्में भी इतनी नहीं देखते, अब देखते हैं शायद, तब उस समय और बहुत कम देखते थे. तो हम सब, लेकिन ऑल द रेस्ट ऑफ अस, मी, माय ब्रदर, माय मदर एंड माय सिस्टर, हम सब बहुत क्रिएटिव, शुरू से क्रिएटिव रुझान है हमारा. सो आई थिंक कि वो एक बहुत इनकरेज किया गया हमारे घर में. एंड देयर वाज ऑलवेज, एक्चुअली आप अपने मदर फादर को देख कर, ना कि उनकी बात इतनी सुनकर, बट उनको देख कर कि हाउ दे लिव देयर लाइव्स, और उस वो एक मिडिल क्लास इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, काम के प्रति एक बहुत ही, मतलब एक श्रद्धा रखना, प्यार करना मेहनत से. माय फादर इज ऑब्सेस्ड विद बीइंग ऑन टाइम, सो यू नो यू इंबाइब ऑल दीज थिंग्स, यू सी. और पढ़ाई आगे जाके पढ़ाई करना, यू नो, बीए, एमए, ऑल ऑफ अस वर वेरी इनकरेज टू डू दैट. तो इसीलिए मैं फिर अमेरिका गई थी, बिकॉज आई थॉट दैट फिल्म में मास्टर्स करना अच्छा रहेगा. So that's when I studied in the US. लेकिन मेरा हमेशा से इरादा एक ही सही था, मतलब बहुत ही क्लियर था कि मुझे वापस यहाँ आके फिल्म बनाना है, मुझे वहाँ बसना नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना है. इंडियन स्टोरी टेलिंग वॉज माई लव, यू नो. सो इमीडिएटली जैसे ही, मतलब इनफैक्ट बिफोर आई गॉट रिसीव माई डिग्री, माई एम एफ ए डिग्री, उसके पहले ही मैं वापस आ गई थी. और फिर यहाँ काम शुरू किया जब टेलीविजन, अपना हमारा सैटेलाइट टेलीविजन वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग समय था, बिकॉज यू नो नई चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता था टीवी पे. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद इन आई डायरेक्टेड अ सीरियल कॉल्ड जमीन आसमान, जो कि उस समय के बहुत ही बड़े लेखक ने लिखा. अमित जी की कंपनी है वो, राइट? अमित खन्ना एंड महेश भट्ट की कंपनी. प्लस चैनल एंड लेकिन जमीन आसमान जिन्होंने लिखा था उनका नाम था मनोज श्याम जोशी. बहुत ही, यू नो, हम लोग बहुत बड़े. हाँ हाँ, वही. तो फॉर मी इट वाज सच एन ऑनर, यू नो, कि उनके साथ बैठ के. लेकिन क्या होता है कि टीवी पे हमेशा कहानी खिंचती रहती है, तो एट द एंड ऑफ इट उनकी एक शॉर्ट, मतलब एक शॉर्ट स्टोरी पे आधारित एक सीरीज बना रहे थे हम जमीन आसमान. उसको हम खींचते गए, तनुजा ये कहानी खत्म हो चुकी है, इसको खत्म करो.
फिर हमने वो खत्म किया एंड देन दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू गेट इनटू फिल्म इंडिपेंडेंटली राइटिंग एंड डायरेक्शन. महेश भट्ट को तब तक मैं ऑफ कोर्स आई हैड ऑलरेडी वर्कड विद हिम इन जमीन आसमान. सो ही ऑलरेडी यू नो व्हेन आई सेड आई वांट टू डू दिस ही वाज वेरी हैप्पी टू हैव मी ऑन बोर्ड. फिर उस समय पहले तमन्ना लिखी क्योंकि आई बिलीव कि लिखने का एक प्रोसेस ये होनी चाहिए कि आप पहले लिखना सीखें कुछ हद तक. लिखना तो आप पूरी जिंदगी मास्टर नहीं कर सकते, उसके बारे में आप धीरे धीरे सीख ही सकते हैं. तो पहले मैंने लिखना सीखा एंड देन आई डिसाइडेड टू डायरेक्ट. सो तमन्ना और जख्म दोनों को राइट की भट्ट साहब के साथ. दोनों सब्जेक्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब. आई हैव ऑलवेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव बीन पुल्ड टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ रेलेवेंट इशूज that speak about change for the better, you know, that speak against inequality and female infanticide and things like that. So, ek ye ek mera is taraf tilt bahut hi naturally shuru se raha. Phir uske baad of course meri pehli directorial dushman, one was able to, you know, kyunki I had by that time directed some 100 episodes. Us samay weekly hota tha, daily nahi hota, to 100 episodes was still a big thing. Phir Dushman of course direct ki, which was also one of the early female protagonist films. Us samay ye bahut kam banti thi. Aisa nahi hai ki 20 saal baad main phir bhi abhi bhi wahi kehti aa rahi hu ki aur honi chahiye. Aisa nahi hai ki bahut sari hain abhi. Abhi bhi bahut kam hai, lekin us samay se zyada hai. एंड फिर वहाँ से दुश्मन से मेरा डायरेक्टोरियल करियर शुरू हुआ. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि देर हैव बीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई स्टूड एट द क्रीज एंड नॉट वॉक्ड अवे फ्रॉम दैट, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू गिव अप. यू विल हैव अप्स एंड डाउन. फेलियर के बिना कोई सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकता, एंड उसी से हमको सीख मिलती है. सो आई हैव ऑलवेज जस्ट बीन देयर, केप्ट ऑन लर्निंग, केप्ट ऑन, यू नो, अपडेटिंग माई सेल्फ. Till today, jab I've also, of course, made short films, which are very close to my heart, made a documentary, very close to my heart. And now I'm about to embark upon my career in the world of web series, which I'm very excited about. OTT. OTT, yes, yes. अच्छा एक चीज बताइए, ये अभी तक आपसे शायद किसी भी इंटरव्यू में नहीं पूछा हुआ है. मैं एक्चुअली जब तनुजा के बारे में स्टडी कर रहा था, करना ही पड़ेगा, बहुत तगड़ी दमदार पर्सनालिटी है, तो मैं ना आज शाम के 5 बजे तक कंफ्यूज था. मैं पूछूं क्या, कुछ बचा ही नहीं है. इतना कुछ इन्होंने किया है हर जॉनरा में, हर तरह से. तो मेरे को अभी एक क्वेश्चन याद आया, क्वेश्चन नहीं है, अपने लाइफ के बारे में 25 साल का जब आप ऐसे बोलते हो, हाउ गुड इज द फीलिंग? यू नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोड टू नेविगेट, डायरेक्शन इतन और एंड राइटिंग, क्योंकि क्रिएटिविटी में ना ऑनेस्टली कोई ना तो कोई एक तरह से एक ब्लूप्रिंट है, ना कोई रूल्स एज सच हैं. इट इज एन एंडलेस जोन. मतलब आप इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं, किसी भी विषय पर कहानी बना सकते हैं. एक तरह से आपका स्ट्रक्चर शायद रेगुलेटेड अब तक मेन सॉर्ट ऑफ स्ट्रीमलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी यू कैन ब्रेक द स्ट्रक्चर. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम. प्लस आपका जो पूरा एक जो भी दारोमदार या आपका जो भी करियर, वो एक इतनी अनडिपेंडेबल चीज पे डिपेंडेंट है, विच इज द ह्यूमन रिस्पॉन्स. किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, हाउ डू यू नो एंड हाउ कैन यू गेज? इनफैक्ट मेरी कई फिल्में, आई वुड से मेनी ऑफ देम, पॉसिबली मोस्ट ऑफ देम, ओवर द इयर्स हैव गेन्ड मोर यस सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी. यस यस यस, लाइक शुशांक रिडेम्पशन एंड फॉरेस्ट गंप वर रिलीज्ड इन द सेम ईयर. Forrest Gump was a super duper hit. Shushank Redemption was okay. But 15, yes. 20 years down the line, Shushank Redemption's collections are as good as Forrest Gump. Is it? Oh. Yeah.
आपकी मूवीज भी धीरे धीरे कलेक्शन, बट हमारे यहाँ रेगुलेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। एक जगह मैंने और आपके इंटरव्यू में सुना कि आप जयपुर, उदयपुर, भोपाल सब थिएटर वालों का नंबर ले लेती थी और मैनेजर से फोन करके पूछती थी, क्योंकि तब तो इतना नेट था नहीं। अभी तो ऐसा हो गया तनुजा कि पिक्चर रिलीज होती है 15 मिनट में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और मैं भी अभी पिक्चर देख के निकला हूँ, बड़ी वाहियात टाइप की पिक्चर है, कोई सेंस नहीं है। अरे तू कहाँ से बोल रहा है, तू कैसे बोल रहा है, बड़ी बेकार सी राइटिंग है, ये तो ढंग का दिख ही नहीं रहा। अरे कैसे, मतलब ना मुझे बहुत ज्यादा कुंदक आती। सबसे पहले तो तू ये बता, तूने किया क्या है कि तू ये कह सकता है। आई सपोज क्रिटिक कोई भी मतलब आपने अगर टिकट खरीदा है तो आप समझते हैं कि यू नो कि जायज बात है कि आप क्रिटिसाइज करें, जो कि एक तरीके से है, बट फिर भी आई डू अग्री विद यू कि वो मौका ही कम मिलता है कि पिक्चर आगे तो बढ़े, लोग देखें, तो लोग अपने आप डिसाइड करें कि अच्छी है कि बुरी है कि कैसी है। बट आई मतलब और आप ये देखें, आप पैसे दे के उनको बुला के ट्यूसडे को या वेंसडे को उनकी स्क्रीनिंग कराई जाती है और आधे से ज्यादा तो पूरा स्टोरी लिख देते, बोलते स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन खट खट खट। अरे भाई लेट इट ग्रो। हाउ मच अ डायरेक्टर, द राइटर, द स्क्रीन प्ले हैज टू थिंक अबाउट इट टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट। और तुम स्टोरी अपनी स्टोरी लिखना भाई। मेरे को बहुत अच्छा लगा था तिग्मांशु का एक इंटरव्यू है जिसमें उसने बोला था, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू क्रिटिक्स, क्रिटिक्स आर पैरासाइट्स, हम पिक्चर बनाना बंद कर दें उनका घर चलना बंद हो जाए। यू नो आई मीन आई विल नॉट बी सो हार्श, आई विल नॉट बी सो हार्श बिकॉज द इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन दैट। फिर उसने एक चीज बहुत अच्छा भी बोला, नहीं ये मेरे ख्याल से अभिनव सिन्हा ने बोला, सर आप ये कब देखते हो, बोलता यार ये पता चल जाती पिक्चर रिलीज होने के साथ साथ कि ढंग का हुआ है तब तो सब चीज पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, और जब पता चलता है ना ठीक नहीं है, पढ़ते ही नहीं है यार, दूसरे उस पर चले जाते। तो मैं आपसे इसी चीज पे आऊंगा, दुश्मन, तमन्ना, संघर्ष, ये किसी और सदी की बात है, टेक्निकली करेक्ट, इवन जिंदगी रॉक्स, लेकिन करीब करीब सिंगल इज एब्सोल्युटली टुडेज सिनेमा, द वे इट इज रिलीज, द वे इट इज प्रमोटेड, ऑल द सोशल मीडियाज, कितना फर्क है इसमें, और इंफॉर्मेशन कितना फास्ट आता है और कितना एक्यूरेसी है उस इंफॉर्मेशन में, और इससे डर कितना पड़ता है, बटरफ्लाई होता होगा लाइक मैड। मतलब ऐसा कोई डायरेक्टर शायद ही होगा, ऐसा कोई फिल्म मेकर जिसको बहुत ही मतलब यू नो आई गो थ्रू सो मच, मतलब आपको मैं मुझे शब्द नहीं सूझ रहे अभी कि इतना मतलब घबराहट और नर्वसनेस एंड दैट टू कि मतलब आपने एक साल पिक्चर लगाने में लग जाता है, उसके पहले एक दो साल लिखने में लग जाते, इतनी मेहनत की है, तो एक्चुअली स्पीकिंग यू शुड बी स्टैंडिंग देयर सेइंग कि यू नो आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड अबाउट एवरीथिंग, बट द थिंग इज कि ये जो एक रिलीज का चक्कर है ना, एंड आई थिंक कि ये हर क्रिएटिव इंसान, चाहे वो नॉवल राइटर हो या फिल्म मेकर हो, स्कल्प्टर हो, पेंटर हो, द होल थिंग इज कि जब आप अपनी चीज जो आपने बनाई है वो दर्शक के सामने प्रेजेंट करते हैं, आप वहाँ खड़े होके यू आर स्टैंडिंग देयर इन वेरी शेकी फीट और थर थर आते रहते हो और दिल दिल धक 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 टिल यू आर अप्रिशिएटेड। आई मीन देयर आर द वर्ल्ड्स ग्रेट्स लाइक वैन गो हु वाज नॉट अप्रिशिएटेड इन हिज ओन लाइफ टाइम, यू नो, सो या दिस इज यू नो आई विश वी कुड हैव लिव विदाउट दिस, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एनी क्रिएटिव पर्सन विल हैव टू लिव विद इट, सो आई नो इट्स अ नेसेसरी इवन। तो इसमें तो कुछ कर कोई कर नहीं सकता, बट आप जो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो यही है कि आपने उसमें अपना सब कुछ, मतलब जितनी मेहनत कर सकते थे लगा दिया, उसमें दिल से काम किया, उसमें कोई आपने चीटिंग नहीं की बिल्कुल भी, एंड प्लस ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ सिनेमा, मुझे समझ आता है कि किस तरह की फिल्म में किस तरह की कास्टिंग, उसमें किस तरह की फंडिंग होती है, यू सी, सो उसके प्रति आपने बिल्कुल ही एक
शिद्दत से काम किया. यू डिडंट ट्राई टू से कि नहीं नहीं ये तो जल्दी जल्दी बना देते हैं, बेसिकली यू नो इट डजंट मैटर, नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. सो व्हाट विल हैपन इज, यस, इफ इट डजंट वर्क इट विल स्टिल ब्रेक योर हार्ट बैडली. You will want to cry. You will cry. But over a period of time, somehow that cinema kind of something that is has a vitality, it will retain a life. It gets some life out there. Pata nahi kaise hota hai, it's magical, but ho jata hai. Aur ye jaise ki maine aapko kaha ki meri sari filmon ke sath hua hai, and especially even Kareeb Kareeb Single, जो आज तक मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि यू नो आई जस्ट सॉ इट, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड इट वाज सो यू नो टच्ड मी, सो सिंपल, सो स्वीट. सो आई थिंक दैट इट फाइंड्स इट्स प्लेस. देखिए, एक तो वो कहानी की स्वीटनेस अलग. अच्छा, इनफैक्ट ये कहानी भी आपके मॉम की है जी. हाँ, उनका एक रेडियो प्ले है. हाँ, ये उनका एक प्ले था और इस प्ले को फिर आपने स्क्रीन प्ले करके इसको ऐसा किया. और मैं रात को 2:30 बजे से लेके इसको वही 4:30 तक देखा. सो स्मूद. एक तो इरफान, एक चीज. हाँ, मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो एज अ डायरेक्टर, दो तीन चीजें हैं एज अ डायरेक्टर ऑन फ्लोर. आप बहुत लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी नहीं हो, आप छोटी पिटाइट से हो. और व्हेन यू स्टार्टेड, दिस इज नॉट बॉडी शेमिंग, आई एम टेलिंग यू बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट थिंग द क्वेश्चन इज कमिंग, क्योंकि आजकल वोक जनरेशन है ना, इसको बॉडी शेमिंग पे ले लेगी. सॉरी, बॉडी शेमिंग नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पर्सनैलिटी जब पहुंचती है तो 200-250-300 का यूनिट होता है. दे आर ऑल यूज टू मेल डायरेक्टर्स, वहां पे आप एंट्री लेती हैं. जब आपने चालू किया था 26-27 साल की डायरेक्टर थी आप, बाकी आप इकोनॉमिक्स वगैरह सब समझी हैं, तभी आपको प्रोडक्शन का वो मिला है एक भट्ट साहब के साथ काम करने का. उस समय भट्ट साहब का जलवा भी अलग था, सब मिला के एवरीथिंग. बट जब आप उसके अंदर घुसती हैं तो आप अपना रुतबा कैसे बनाती हैं, नंबर वन. नंबर टू, एज ए डायरेक्टर जब आप प्रिपरेशन करती हैं तो प्रिपरेशन फिजिकैलिटी की होती है कि लेंस और इसका टेक्निकल एक पूरा रिहर्सल हो गया, या इमोशंस का होता है. तीसरा, आप हमेशा लॉक्ड स्क्रिप्ट के साथ चलती हैं या स्क्रिप्ट वहां पे भी चेंज होता है, क्योंकि यू आर ए राइटर, वो हो सकता है एंड अ स्क्रीन राइटर एंड अ डायलॉग राइटर एंड द डायरेक्टर. तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर है जो इस चीज को बांधता है. और लास्ट, एक्टर के इम्प्रोवाइजेशन का कितनी जगह होती है, ये आपके पूरे काम करने के तरीके को ये 3-4 क्वेश्चन से डिफाइन किया जा सकता है. जी जी जी, बिल्कुल. इनफैक्ट मैं सेकंड लास्ट से शुरू करूंगी कि कि यू नो सेट पे इम्प्रोवाइजेशन. एक्चुअली आपने ये लास्ट सवाल था आपका कि इम्प्रोवाइजेशन कितना होता और राइटिंग उस समय कितना कितनी बदलती है. लॉक स्क्रिप्ट के तो साथ मैं हमेशा चलती हूँ. एंड इनफैक्ट अ स्क्रिप्ट जिसपे हमने बहुत सारे रिविजन किए, मतलब अनेक रिविजन, क्योंकि स्क्रिप्ट आपको एक समय पे आपको मतलब काम उस पर करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी परफेक्ट तो हो नहीं सकती. उस पर आप करते ही कर सकते ही रहते हैं मतलब सालों. सो व्हेन यू डिसाइड कि नाउ आई एम रेडी टू मेक दिस फिल्म, उसके बाद भी यू कंटिन्यू टू रिवाइज. तो सेट पे तो इनफैक्ट करीब करीब सिंगल में तो ऑफकोर्स देयर वाज इरफान, जिनकी जुबान इतनी कमाल की है, इतनी अच्छी हिंदी और उर्दू बोलते थे कि यू वुड बी हैप्पी टू हैव हिज इनपुट, क्योंकि वो एकदम इंटरनलाइज करते हैं डायलॉग को. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डायलॉग लिखा गया है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम. सो ऑफकोर्स सेट पे तो वो तो होता ही रहता था, एंड डिपेंडिंग ऑन कि वो हमारे प्लॉट में, आई एम ऑलवेज watching the big picture, that is the director's job, कि पूरी कहानी एक ना सिर्फ कि एक सीन, उस सीन को बहुत कमाल करने में you should not play around with the entire structure, that's very important. So जहाँ तक वो सीन अपना रोल निभाए, you know, पूरी स्क्रीन प्ले में, तब उस हद तक रहने में changes and improvisation is very good. And then I also in terms of you know jo bhi aap rehearsal karte hain ya actor se baat karte hain, so I always try to get to the heart of the matter ki isme
कहानी तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन इसमें लाइक यू सेड इमोशंस किस तरह से आगे बढ़ना है, यू नो कितना दिखाना है इमोशंस को. आई ऑलवेज फील इट शुड बी इन द रियलिस्टिक रेल. और रियलिज्म का मेरे हिसाब से क्या मतलब है कि आप एक तो रिस्पॉन्ड कीजिए, परफॉर्म मत कीजिए. यू नो एंग ली हैड सेड अ वेरी अमेजिंग थिंग, ही यूज्ड टू से दैट गिव मी अ पीस ऑफ यू, डोंट गिव मी अ परफॉर्मेंस. यू नो सो आई ऑलवेज फील एक्ट एज दैट, यू नो फील समथिंग, यू नो डोंट ट्राई टू शो मी एक्टिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. सो जब वो शॉट होता है जिसमें बीच में कोई फंबल हुआ और वो एक्टर ने किसी तरह मैनेज कर लिया, टू मी दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉट. आई डोंट वांट अ परफेक्ट शॉट, आई वांट अ शॉट व्हिच हैज ऑल दोस लिटिल इम्परफेक्शंस व्हिच वी ऑल हैव इन लाइफ, यू नो. दैट इज टू मी द मैजिक ऑफ सिनेमा, आई लव दैट. सो आई लुक फॉर दैट. एंड वो रिहर्सल में मैं बहुत सारी, अक्षय कुमार यूज्ड टू टेल मी दिस, कि बहुत सारी बकबक करती हूं, ओके बात करती रहती करती रहती हूं. सम ऑफ इट, you know, your body conveys something to the body of the, you know, there's an animal intelligence in us. The actor senses that. That's more important than the words. So he used to say, I used to talk to him and then I'd stop. He'd say, haan, haan, bolte jao. Pura samajh mein nahi aa raha, lekin bolte jao. Akshay Kumar, aapne bola, toh main usi question pe aata hoon. Indian movie industry ko बहुत बड़ा देन है एक विलन जो इसका सरनेम था पंडित डाकिया, और दूसरा दयाशंकर या लज्जा शंकर पांडे. ये दो कैरेक्टर में कितना तनुजा है, कितना राणा है, कितना स्क्रिप्ट है. एंड आपने अभी अक्षय का नाम लिया तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, याद भी दिलाना चाहूंगा कि उस समय अक्षय वॉज गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट फेज, एंड दिस मूवी विथ योर डायरेक्टोरियल, आई हैड रिटन दैट बट देन डिलीटेड, कि द न्यूज़पेपर्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिटिक्स ओनली हैड रिटन दैट इट वॉज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एंड फ्रॉम देयर ही वॉज टेकन सीरियसली एज एन एक्टर ऑल्सो. सो अक्षय का एज एन एक्टर इन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आपका हाथ है, लोग माने चाहे, वो माने चाहे ना माने, हिस्ट्री यही कहता है, सेलुलॉइड में छप चुका है. दूसरा लज्जा शंकर पांडे और डाकिया, ये कैरेक्टर बनाने के पीछे आपकी क्या कहानी है, इसकी एक्चुअल कहानी, फ्रेश कहानी अगर सुनना है लोगों तो मूवर्स एंड शेकर्स में देखिएगा, उसमें फ्रेश उस मूवी के बाद इनका पूरा वो है. अभी उनको उतना याद हो ना हो, बट प्रोसेस क्या था आपने लज्जा शंकर पांडे और ये डाकिया का, ये जो एक टोटल इफेक्ट होगा, ये आपने कितना सोच लिया था? एक्चुअली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन होना एक पिक्चर में मुझे शुरू से समझ आता था कि दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव, क्योंकि उसमें फिर आपका प्लॉट ना, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स. इन दोनों में ऑफकोर्स फीमेल मेन प्रोटैगनिस्ट थी, लेकिन उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन का के ऑपोजिशन से मिलना, उसका कैरेक्टर में उसको स्ट्रेंथ मिलती है, यू सी, बिकॉज शी हैज टू फाइट, इट्स अ डेविड वर्सेस गोलायत काइंड ऑफ थिंग. तो उसमें मुझे पहले पोस्टमैन, इसीलिए मैंने सोचा कि यू नो आई थिंक पोस्टमैन एवरीबडी ट्रस्ट वेरी मच. आई मीन आई एम वेरी सॉरी कि मैंने पोस्टमैन को इतना विलनस बना दिया कि उससे नफरत हो जाए, बट दैट वाज द आइडिया कि पोस्टमैन इतना मासूम, कितने मासूम लगते हैं, कितने अच्छे फ्रेंडली होते हैं, वी ऑल ट्रस्ट देम. वो घर पे आके उस चिट्ठी विट्टी डिलीवर करते हैं. That was a very interesting contrast to me. इसीलिए सोचा कि यू नो इसको पोस्टमैन बनाना चाहिए. एंड लज्जा शंकर पांडे, ऑफ कोर्स द होल आइडिया, इट केम, द सीड ऑफ द आइडिया वाज फ्रॉम अ न्यूज़पेपर आर्टिकल एक्चुअली, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड एक्चुअली बिलीविंग कि अगर मैं एक बच्चे का या एक लड़की का सैक्रिफाइस करूँगा तो उससे मेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी और लंबी हो जाएगी. मतलब द ब्लाइंडनेस ऑफ दिस थॉट एंड द रिडिक्युलसनेस ऑफ इट. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी अगेन टू डू दैट विद आशुतोष. ऑफ कोर्स आशुतोष राणा मैं सेकंड बार उसको कास्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा फिर से वही विलन.
तो मैंने उसको बोल दिया था आशुतोष नहीं हो पाएगा इस बार मत, तो ही वॉज वेरी अपसेट. फिर एक दिन मुझे एक फोन आया किसी महिला का, उन्होंने कहा कि मैं एक्ट्रेस हूँ और यू नो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. तो मैंने बोला हाँ ठीक है मिल लेंगे, आप अभी तो मैं बिजी हूँ, मैं आपको बताती हूँ. और वो थोड़ा सा और बात करती गई, फिर मैंने उनकी उनसे कुछ 7-8 मिनट बात की, फिर वो कहती है अच्छा मैं आशुतोष राणा बोल रहा हूँ, अब तो मुझे कास्ट कर लीजिए. तो इट वॉज आशुतोष राणा इम्पर्सोनेटिंग अ वुमन, कन्विंस्ड मी यू नो. अब मैंने उनके साथ काम किया है तो he convinced me and then after that I said it's true, I cannot not cast you, क्योंकि उसको he knew कि film में you know there's a he impersonates a woman, the Lajja Shankar Pandey and all that. So that's why I did. So then I cast him. ये जो scene है ये गब्बर सिंह के बराबर का सीन है, वो मुंह के सामने जो हाथ देके वो हिलाता है, that is a cult, that is epic. and salute to you for that. It was मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको कहते हैं जान निकल जाती है उसने जो स्क्रीन में फुल स्क्रीन जो वो म्यूजिक के साथ और वो खुल गया, तो ये जान निकाल दिया था उसने. That was amazing. And yeah. It was 90s. Like today, too, we have seen so much of gory things with OTT, web series. So many things are possible at that point of time. So it is etched in the memory. Few comments have come in. There are lots of comments which has come in. I'll just go through them one by one. Ritu has welcomed you. Thank you. Indian film industry is blessed to have found you. Female oriented films, mind blowing. That is Ritu. Swarnim says, "Hi Tanuja ji, absolute fan of your work, especially how you build the story in a simple yet neatly crafted layer." Then there is Shrotriyo. Kareeb Kareeb Single is an absolute gem of a movie. Love everything about it. He's only 20. Let me tell you that. He can relate to that time, you know. Yeah. Ritu says, you said once in your interview, rom-coms are more challenging. Kya challenges with respect to Kareeb Kareeb Single and why this spelling of single? Okay, we will take this question. Okay. We'll just go through all that we have. Okay. Pranam Tanuja ji, Naam Swaroop. Fan, to kya kehna? Resonate with your work. Loved every work I had the privilege to experience. Pranam R2 team. Then comes again Ritu. So loved Kareeb Kareeb Single. Irfan was unbeatable with dialogues. Your style with Parvati was amazing, but हाँ Parvati with उसके साथ वो टक्कर देके चलिए. बिल्कुल बिल्कुल. So true, such realistic look in ASAR. ASAR is the documentary. We will come to that. It is amazing Ritu. Sunipa Samadhar, director सुना है जुबान की तरह होती है, मुंह के अंदर जिस दांत में दर्द ज्यादा उसको ही छू लेती है. आपके हर मूवी की दुखती रग अलग होती है या एक जैसी जगह है जो बार बार हर काम में एज ए डायरेक्टर यू फेस? फाइनेंस नॉट इंक्लूडेड इन पेन डायरेक्टर, क्योंकि तो सबसे बड़ा पेन है. डायरेक्टर माँ जैसी भी होती है या नहीं? सबको माफ किया. हाँ, डायरेक्टर माँ जैसी भी होती है, सबको माफ किया. सो दिस इज द क्वेश्चन. शी इज माय यंगर सिस्टर एंड शी इज विद फैशन इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम, सेम एज ग्रुप, सो शी अंडरस्टैंड्स द नुआंसेस. रितु यू नो, सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन. सो करीब करीब सिंगल इज वन थिंग व्हिच हैज बीन आस्क्ड. The two youngsters who have seen Kareeb Kareeb Single and they love the layers and the crafting which is there. Because this, again, I would try to remind people, if we look at Dushman and Sangharsh, pichli sadi ki picture, layers thi. Us samay to straight picture chalti thi. Agar hum dekhe to, man meets a girl and they fall in love and then wo alag ho jata, baap villain hota hai, wo last mein mil jata hai, do gaane hote, bhabhi achhi hoti hai. बट ये आना, उसके बाद आपके लाइंस, बहुत सारी मूवीज आई. एक जिंदगी रॉक्स जहन में है, सुर डेफिनेटली आप. हाँ, तो मैं यही बोल रहा था,
कि ये दो विलेन के अलावा आपका जो एक और बहुत बड़ा देन जिंदगी भर याद रहेगा वो है सुर एंड लकी अली, द कंट्री वेंट गागा विद दैट म्यूजिक. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ डायरेक्टर टू यू वुड बी, यू कम फ्रॉम द महेश भट्ट घराना who are champions in understanding music. Yes. And song. Yes. So, wo effect hai ya you loved music from bachpan again? I've always loved music, but of course I learned so much from him. I learned very simple things from him, which was ki wo jab music director se milne jaate the aur wo maine adopt kiya hai wo method ab aur tab se वो जब म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने जाते थे तो वो कहते थे कि मुझे वो गाना सुनाओ जो किसी को पसंद नहीं आया क्योंकि सब म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते हैं ये कह के कि मुझे हिट गाना सुनाओ. ही यूज्ड टू से हिट नहीं सुनाओ, जो किसी को पसंद नहीं आया वो सुनाओ, बिकॉज द होल थिंग इज कि आप एक हिट इंजीनियर नहीं कर सकते. यू हैव टू लेट अ ट्यून टच योर हार्ट. सिंपल सिंपल, जो गाना आपको थोड़ा सा गुनगुनाने पे मजबूर करे वो धुन जो थोड़ी बहुत भी याद रह जाए एंड इट स्टेज इन योर माइंड, दैट्स द हिट सॉन्ग. सो टू मी इट वाज वेरी क्लियर दैट यू कांट लाइक गो विद द इंटेंशन कि मैं आज तो हिट गाना खोज के मतलब कंपोज करवा के रहूंगी. सो आई थिंक नहीं सो आई थिंक द सेम विद ऑफ कोर्स विद सुर. इट वाज अ जीनियस ऑफ एमएम क्रीम, मतलब जीनियस इंसान म्यूजिक डायरेक्टर. उनको भी मैं एक तरह से एक इमोशनल पिच देती थी कि यू नो दिस इज द सॉन्ग व्हिच एंड आई यूज्ड टू डू सम टॉकिंग इमोशनली एंड वो एक कुछ म्यूजिकली उसको ट्रांसलेट करते थे. व्हिच लैंग्वेज यू यूज्ड टू टॉक विद करीम सर? व्हिच व्हाट? व्हिच लैंग्वेज यू यूज्ड टू टॉक विद करीम सर? इंग्लिश बिकॉज़ ही स्पीक्स ओनली इंग्लिश. बट एक्सप्लेनिंग सच डिफिकल्ट हिंदी वर्ड्स इन दैट सॉन्ग, जो अच्छा अच्छा हिंदी भाषी सुर के गाने को चार बार सुनेगा तो लिरिक्स समझ में आएगा. वो निदा फाजली साहब की कमाल था. मैं उनसे मिला हूँ, ये मेरी जिंदगी का कमाल है. ओहो एब्सोल्युटली नो सेम हियर. आई हैव टू से टू यू दैट द स्टॉलवर्ट्स दैट आई हैव हैड द लक टू वर्क विद आनंद बख्शी साहब, ओ माय गुडनेस, एंड निदा फाजली साहब, एंड देन ऑफ कोर्स एमएम क्रीम, ये सब लोग, महेश भट्ट ऑफ कोर्स. सो यू नो ये सब लोग अपना मतलब एक इतना लंबा चौड़ा तजुर्बा अपने साथ लाते हैं एंड अ होल मतलब एक भंडार ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स दैट आई यूज्ड टू जस्ट फील एक्सट्रीमली लकी टू वर्क विद देम. तो सुर में भी उसी तरह से कि काफ़ी लिरिक्स शायद एमएम क्रीम साहब को समझ नहीं आए होंगे, बट उनको वो बात एक वो उनको एक इमोशनल मीनिंग ऑफ द सॉन्ग वो इमीडिएटली समझ आ जाता है बिकॉज ही इज अ म्यूजिकल आदमी, यू नो. तो वो म्यूजिकली उसको ट्रांसलेट करते थे एंड ही ब्यूटीफुल सिंगर, ब्यूटीफुल. सो आई थिंक म्यूजिक सिमिलरली आई हैव ऑलवेज कंटिन्यूड कि तब से अब तक जैसे करीब करीब सिंगल का जो जाने दे जो गाना बहुत लोगों को पसंद आया, हाँ उसमें भी एक वो बहुत ही डायरेक्ट तरीका मेरे लिए था कि विशाल नया म्यूजिक डायरेक्टर उसने कहा कि मेरे पास एक गीत है एंड ही जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग इट एंड आई वाज जस्ट वेरी सिंपली ड्रॉन टू इट सिंपली एंड आई सेड यस आई लाइक दिस. इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए यू नो हिट सॉन्ग बनाने के चक्कर में. फिर आप ऑफ कोर्स कंपोजिशन में ऑर्केस्ट्रेशन में उसमें यू नो यू डू योर स्टफ, यू एंजॉय इट, मेक इट प्रिटी, मेक इट मॉडर्न मे बी इफ यू नीड टू. आपने मेरी फिल्म सिल्वर शॉर्ट फिल्म देखी है, उसमें ऑफ कोर्स म्यूजिक भी यार जितनों ने सिल्वर्ट नहीं देखा ना सिल्वर्ट देखो. मैं उस चक्कर में आज जी का मेंबर भी बन गया क्योंकि और कहीं नहीं मिल रहा था. तो ये बड़ा मजेदार है कि आज इनके चक्कर में मैं ना 3-4 ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्राइबर बन गया हूँ. बहुत बड़ी बात है. एक तो मूवी का सब्सक्राइबर बनना पड़ा क्योंकि उसके अलावा कहीं अवेलेबल नहीं है. जी का बनना पड़ा, उसमें अवेलेबल है आपका सिल्वर्ट. फिर बनना पड़ा एक और का जिसमें अवेलेबल है आपका इरोस नाउ मॉनसून डेट. यार साइलेंस किसको कहते हैं?
साइलेंस की भी एक आवाज होती है, मंगेश देसाई जी का डायलॉग है ये कि हाउ टू गिव साउंड टू साइलेंस, ये उनका डायलॉग है। और उसका एक एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो मॉनसून डेट देखिए, मेरे ख्याल से 6 या 7 डायलॉग है। टैक्सी ड्राइवर का ज्यादा डायलॉग है, कोंकणा सेन शर्मा का डायलॉग नहीं। क्या परफॉर्मेंस है, क्या डायरेक्शन है, क्या स्टोरी है, एंड वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, पूरे इंसानियत पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। वो जो एक एक बंदा उठ के जा रहा है ऐसे मुंडे हिलाते हुए, या कोई प्यूक करते हुए, कोई छाता खोलते हुए, ऐसा लग रहा था मुझे हाथ लगा के बढ़ा के एक का हाथ पकड़ के बोलो रुक जा भाई, वेयर इज योर इश्यू। फिर इट रेज्ड माय टेम्पर, बोला मार लपाड़ा इन लोग को पकड़ के। That is the kind of effect in a 17-minute film that was created. So my next question comes to that. मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं बहुत famous हूँ 3-3 घंटे का interview करने का, but तनुजा के पास time कम है तो मैं 1 घंटे के अंदर wrap करूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी questions shift कर रहा हूँ ताकि जितना ले सकूँ ले लूँ। But एक छोटा सा promise आपसे लूंगा, 1.5-2-3 महीने में मेरे को ना थोड़ा अच्छे से time दीजिएगा एक एक चीजों को लेके बात करने के लिए। ये मैं आज ले लिया, आज 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 माँ दुर्गा का दिन है, दशमी भी है, तो आज बोला हुआ चीज गलत नहीं जाएगा, ये फिल्मी वाला आने। एक छोटी सी चीज और तो पूछना चाहूंगा कि जब प्रेम रोग आया था, वी कम फ्रॉम द सेम डिकेड्स दैट वी हैव शेयर्ड, इट्स रिटन बाय योर मॉम, प्रेम रोग, इट वॉज अ कल्ट मूवी, अ विडो रीमैरिज, and the questions that was asked by Padmini Kolhapure to kaun se kapoor the wo, Rishi Kapoor's father who was the pandit, Shammi Kapoor ko pucha jata hai hindu marriage mein jo wo mantra padhe jate hain uska matlab, aamne samne ghar rehta hai, aaj bhi etched hai memory mein, ek hi baar dekhi hai picture, kitni kamal ki story thi, aap socho. Did that create some impact on you? Your mom's story, even 1942, a love story. What beautifully done. Manisha Koirala is there in our minds forever only. Ek ladki ko dekha and the way it was. Chandni, another super duper hit. All three of them are not there. May God give them, Bhagwan bahut khush hai. तो ये पिक्चर आपके ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट की थी उस समय, नंबर वन। नंबर टू, एज ए किड विच वेर योर फेवरेट मूवीज देन, विच आपको देखने का ऐसा लगा ऐसा तो मैंने एक बनाना ही है बट मेरा वाला थोड़ा अलग होगा। होता है ना, अपन जब देख के निकलते तो लगता अच्छा था, इसको ना थोड़ा ऐसा और ले जा सकते थे, ऐसा लगा कभी कोई मूवी को देख के? Well, you know, I mean, Raj Kapoor is a master, was a master director. मैं अभी भी उनकी फिल्म देख के इतना सीखती हूँ. Even Yash Chopra's movies I liked very much. By the way, the third one is very much alive and he's my brother-in-law. That's Vinod Chopra, who made 1942 a love story. I know. मैं फिर वो परिचय. You said all three are gone. नहीं, ऑल थ्री आर गॉन मतलब नो सॉरी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं चांदनी के तीनों एक्टर की बात कर रहा था, श्रीदेवी, विनोद खन्ना एंड थर्ड वन अभी ऋषि कपूर। मैं एक चीज अभी सबको बता देना चाहूं, प्रेम रोग से लेके सेक्रेड गेम्स तक सब इनके घर से आया। प्रेम रोग, चांदनी, 1942 अ लव स्टोरी, तमन्ना, जख्म, दिल तो पागल है, जिस सब में तनुजा जुड़ी हुई है, और तनुजा की छोटी बहन अनुपमा चोपड़ा, उनकी भी किताबें हैं और वो फिल्म की क्रिटिक भी हैं और माँ कसम बहुत अच्छा शोज करती हैं। एक शो में एक क्वेश्चन था, वो इक्वालिटी पे ही बात कर रही थी, और ये चूंकि हम करते तो हम लोगों से पूछते हैं, इज इक्वालिटी perceived, you are waiting for somebody to give, or do you have it? If you ask that question to citizens of India, you will be surprised, they are waiting for equality to be given to them. They are not aware of the constitution of India, that it's a given. So Anupama Chopra jab ye question puchi thi, to usne mere ko yaad nahi hai kaun se wale show mein,
उसने बोला था इट्स अ गिवन, मैं बोला वाव अमेजिंग, मतलब पता होना चाहिए। तो मैं तब स्टडी नहीं किया था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों इतना अवेयर है, क्यों इतना सब कुछ पता है कि कहां से आ रही है ये पूरी चीजें। बट इट्स ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी पर्सनली कि यस देयर इज दिस अवेयरनेस। और मेरी माँ ने जैसे आपने पॉइंट आउट किया प्रेम रोग लिखी व्हिच इन्फ्लुएंस मी अ ग्रेट डील, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सारी बातें अबाउट इक्वालिटी अबाउट जस्टिस ये हम दोहराते जाएं, बार बार कहते जाएं। यस 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 ऑलवेज इन कन्वर्सेशंस। यस एंड इट्स ऑलवेज ये सेशन अलग है, ये सेशन अलग है, ओके ये सेशन अलग है, पूरा सेशन चलेगा इसमें। वी विल क्रिएट फ्यू इमेजेस आल्सो, वी नीड टू ब्रिंग दैट फॉरवर्ड, आई नीड योर वॉइस फॉर सपोर्ट। यस आई नीड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने इस पे बहुत काम किया है सटली, मुझे जो आपकी बात अच्छी लगती है आप हाथ उठा के एक्टिविस्ट की तरह बात नहीं करती है, देखो करना पड़ेगा ऑन योर फेस, नो आप उस स्टोरी से बोल के निकल जाती है जो एक तासीर के साथ तरह रह जाता है, वो कमाल है। एकदम अलग ले जाता हूं, स्टॉक वर्सेस डिजिटल आपने ये जिया है ये एक चीज, और दूसरा ये बहुत बहुत अच्छा लगता है यार आपसे, दूसरा है सिंक साउंड वर्सेस डबिंग, और तीसरा है क्रिटिकल अक्लेम वर्सेस पैसा एज ए डायरेक्टर एज ए सब कुछ। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है तीनों, आप अपने स्टाइल का जवाब। यस एक्चुअली मेरी पहली फिल्म तो इट वॉज वेरी मच ऑन 35 mm, उसके बाद वी स्टिल संघर्ष सुर, दीज वर ऑल्सो येट ऑन फिल्म नॉट डिजिटल, लेकिन एडिटिंग हमारी स्टीन बैग पे नहीं होती थी। फर्स्ट फिल्म हमारी एडिटिंग भी स्टीन बैग पे हुई थी, यू नो, अरे बाप रे बाप। सो इट वॉज स्टिल वो लंबी लंबी रील्स ऑफ फिल्म, यू नो, and it was amazing, magical to watch that. उसके बाद लेकिन हमने digital editing शुरू की, but shooting was still on film. तब मुझे honestly third or fourth take के बाद I used to be like, अरे यार मुझे और takes चाहिए, लेकिन I know you know that your clock starts ticking. Yes. Because you know cost of the stock. Cost always. So डिजिटल में ये कमाल बहुत हुआ है कि वन कैन शूट यार। सो आई थिंक कि इफ यू आस्क मी स्टॉक वर्सेस डिजिटल आई वुड से कि जो वो एक सिनेमा की एक स्लाइटली धुंधली क्वालिटी जिसमें यू नो देयर वाज उसमें देयर वाज एक इमर्सिव क्वालिटी जिसमें आप अंदर खो सकते थे, नॉट सो शार्प एज टुडेज डिजिटल क्वालिटी इज, आई लव दैट। It can be achieved with digital. I've always believed in updating. So, mere liye it's never ki wo bahut hi ek acha zamana tha aur ab kya ho gaya hai. I do believe in updating constantly while retaining some of the beauty of the past, you know. So, aap time come on. Bahut sahi. Sync sound versus dubbing. Sync sound versus dubbing. Always sync sound. Always. Even when I used to dub, it used to be a pain, क्योंकि वो क्या होता है कि एक तो, but the great thing is कि when you have a, I have a really good take, उसमें मुझे पता है कि dialogue थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, so I always keep in mind कि अगर lip sync ठीक ठाक है तो वो dubbing में correct हो जाएगा, because एक अच्छा take is like a hira, बहुत ही कमाल चीज होती है अच्छा take, you know, so I do keep that in mind कि बाद में हम dubbing भी कर सकते हैं, but I prefer the ambience that जरूरी तो दोनों ही है। आई वुड स्टिल से कि अगर ऑनेस्टली आई कैन नॉट आंसर दिस कि ये या वो, क्योंकि मैं अभी I was going through my mind कि पैसा और popularity की picture लोगों के दिल को छुए और पसंद आए, लेकिन वो तब भी हो सकता है जब एक slightly smaller group को पसंद आई लेकिन कस के पसंद आई और वो याद रखेंगे। तो मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टोरी टेलिंग विजन आपका सच्चा रहे, आपकी पिक्चर कहीं ना कहीं किसी के दिल को छुए, हंसाए अगर पॉसिबल है तो, और
उस तरह से मेरे लिए उस तरह से पैसा इज समथिंग कि वो ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर होपफुली शुड नॉट सफर, डिस्ट्रीब्यूटर शुड नॉट सफर, लेकिन आई वुड स्टिल वांट कि मैं कुछ कोई ऐसी फिल्म बनाऊं जो यू नो फिल्में बाय द वे विल आउटलिव बोथ यू एंड मी एंड ऑल ऑफ अस, वो हमारे बाद यू नो लोग देखेंगे. सो आई डू होप कि हम जिस मोड़ से गुजर रहे हैं उसके बारे में अगर पिक्चर कुछ कह दे, तो दैट एक्चुअली इज बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी. उसमें आपकी शॉर्ट फिल्म कहती है जी मॉनसून डेट. जी ऑल ऑफ यू वॉच मॉनसून डेट, all of you please, it is 17 minutes in between dono IPL ke innings, watch that. Main na fatafat kuch wo le leta hu kyunki time kam hota ja raha hai. Lete jaiye please. Himadri Mukherjee, in these days of COVID anxiety, if there is one go to film for me to feel good is QQS, Kareeb Kareeb Single, and every time I see it seems perfect in every sense. Thanks for the film, Tanuja ji. Himadri Mukherjee हमारे एक और सीरीज में आते हैं, सिविक सेंटर मेरे शहर का सीरीज है. He is a hobbyist listening to music and watching good films for 50 years plus is doing that. Samit Sikdar, hello Tanuja, how important is it to be crazy and weird to be a director and especially the non-conventional art ones? Okay. It is extremely important to be crazy because without that you will not be able to go through the suffering that the direction can be. Do I have 10 minutes? Okay, yes. So, Sukanya Chatterjee Sanyal, very interesting session. It was great to learn about the various nuances of making films and TV shows. Okay, yahi se ek question aata hai. Films, TV shows. I'm not coming to OTT and short films. Films versus TV shows. I have heard your interview mein aapne bola tha TV shows are equally, they have got more scope. At the time I did TV, that's when it had more scope. Today I don't Not believe it does. No, but I mean, but the viewership is huge. It's huge. Matlab, I'm telling you, film cannot compare to the viewership TV has, which is why all the more important for TV to tell television, to tell the stories that are important to tell. The stories of the world we live in today, you know. So I have not, since my early days, uske baad maine television nahi kiya hai. Lekin I hope for television to once again have that golden era, you know? Yes, it can. Probably OTT will take it there. I hope so. Exactly. Yes. Anil Jingad ka kya hai batao? B.S. Krishnan ka aaya hai. Irfan Khan ke saath kaam karna kuch jo chupa hua ho. Agar Tanuja ji share karna chahe. Bada संजीदगी वाला क्वेश्चन है, चॉइस आपकी है, कुछ शेयर करना चाहिए. मैंने एक एक्चुअली किसी एक आर्टिकल में लिखा था, लेकिन आई वुड लाइक टू रिपीट इट दैट इरफान टुक वन ईयर टू से यस. बहुत लंबा समय सोचते रहे वो पिक्चर के बारे में. तब तक ऑफ कोर्स मैं और मेरी जो को राइटर थी गजल धालीवाल, हमने एक और अच्छे से रिविजन कर लिया था. वो समय हमने उसके लिए यूज किया. बट द थिंग दैट कन्विंस्ड हिम टू से यस टू मी, वो उनकी वाइफ श्रुतपा मुझे बताती थी कि इन द मिडल ऑफ द नाइट ही इज गोइंग अराउंड वॉकिंग अराउंड द हाउस, ऊपर नीचे चलते जा रहे हैं, थिंकिंग अबाउट द स्टोरी, अपने डायलॉग्स रिपीट कर रहे हैं. एंड द वन नाइट ही रियलाइज्ड कि ये जो योगी का कैरेक्टर है वो, क्योंकि अपने जो उसके जो डोमेस्टिक हेल्प है, उसके खास करके जो ड्राइवर है, उससे इतना जुड़ा हुआ है. ही लव दैट क्वालिटी, यू नो, ही लव दैट क्वालिटी वे फॉर योगी हिज फैमिली इज द वर्ल्ड. And that's the thing that made Irfan decide, yeah, I want to. Because he was saying, I was looking for one thing to connect me to Yogi. And that connected me to Yogi, you know. So that's why he said yes. Thank you. Thank you for that movie. Any more questions that we need to take from here? Else they might get angry. One of the back office guys have come back because I had quit the group, which I told you, no? Yes. So I have some help. Tanuja, हम जल्दी से कवर कर लेते हैं. ये जो तीन शॉर्ट फिल्में आपने बनाई हैं, दो मैंने देखी हैं, सिलवट और सिलवट का म्यूजिक, तो ये पूरा एक साथ तैयार था? ये स्टोरी आपकी नहीं है, किसी से आपने ये स्टोरी सुनी?
और स्टोरी उसने चार पांच स्टोरी सुनाई, फेसबुक पे मिली, मिलके बुलाया और चार पांच स्टोरी सुना, उसने बोला और ये एकदम एक छोटी सी कहानी है, एक मुस्लिम लड़की का टेलर से प्यार हो जाता, आपने बोला मेरे को यही वाला चाहिए। yes. और वो लेने के बाद उसको जो आपने म्यूजिक बेड के साथ बनाया, अमेजिंग। इन वन लाइन हाउ वुड यू डिफाइन दैट मूवी, व्हाई डिड यू वांट टू डू दैट? माय फेवरेट प्लेस इन बॉम्बे टू शूट इज साउथ बॉम्बे भिंडी बाजार एरिया, I love it. मतलब वहाँ इतने, मतलब there is बहुत मुश्किल जगह शूट करने में, it's so crowded. मतलब it's बहुत मुश्किल, but उसमें जो एक electricity, there's life buzzing, and that to me was कि उसमें एक इतनी एक बहुत ही कम इजहार वाली love story, surrounded by the noise of life, but you have this moment of love which will last you a lifetime even though it's a tragic end. और उसमें हमने of course उसी माहौल का एक तरह से इंडियन, बहुत ही हिंदुस्तानी म्यूजिक उसमें डाला, एंड म्यूजिक उस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट शुरू से एंड तक बाय अनुराग ढोंडियाल, यंग बहुत ही फाइन म्यूजिक डायरेक्टर, वेरी टैलेंटेड, यस वेरी टैलेंटेड। सो क्लासिकल का शॉर्ट फिल्म का, टेल यू दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट शॉर्ट फिल्म्स, कि उसमें इन अ शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट ऑल दो स्टोरीज, वो कहानियाँ जो आपको मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं पैसे देगा बनाने के लिए, या इवन ओटीटी भी बोलेगा नहीं नहीं दिस इज टू, यू नो आई डोंट नो, इट्स टू, इट्स नॉट एक्शन इनफ फॉर अस, इट्स नॉट क्रेजी इनफ फॉर अस, वो फिल्में उनको आप शॉर्ट्स, उनकी आप शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हैं एंड लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेट थिंग दैट वी हैव अराउंड अस व्हिच इज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यू नो। सो ऑल दो स्टोरीज व्हिच आर क्लोज टू योर हार्ट, आई से टू एवरीबॉडी, आई एम सेइंग कि जो जिन्होंने अभी अब तक अपना करियर शुरू भी नहीं किया हो, उनसे मैं कहूँगी कि जो आपके दिल के करीब वाली कहानी है उस पर आप शॉर्ट फिल्म बनाइए, लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे, लोगों के दिल को छुएगी, मेक योर, टेल योर स्टोरी, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। मॉनसून डेट ऑफ कोर्स उसकी कहानी जो मेरी, अगेन मेरी जो चहेती, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और राइटर गजल धालीवार, एक तरह से उनकी अपनी लाइफ स्टोरी पे आधारित है। सो आई हैड ऑलवेज नोन दिस एंड आई सेड टू हर दैट लिसन गजल, यू हैव टोल्ड मी दिस अबाउट योर लाइफ, व्हाई डोंट वी मेक अ शॉर्ट फिल्म अबाउट इट? एंड शी सेड कि अरे आई डोंट नो, यू थिंक पीपल आर इंटरेस्टेड? आई सेड आर यू जोकिंग? यस पीपल आर इंटरेस्टेड। So we both wrote it. We got Konkana. Konkana ko maine phone pe sunai. Konkana said on the phone ki main karungi. So it was a very special experience for me. And I'll tell you, till today, humne 2 saal pehle banai. Aaj tak it is touring the world. We were just in Amsterdam. We are going to be showing in Cincinnati next week. So film festivals, so it has been kept on touring. So how great? How great is it? You know. Last aata hu aapke buaon par. और बुआओं के साथ जोड़ दीजिए आपके चाचा, बुआ, मासी, ताई से सुनी हुई कहानियों के ऊपर 14 शॉर्ट स्टोरीज की एक किताब जो आपने लिखी है, बिजनेस वुमन। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो 14 शॉर्ट स्टोरीज का ना मालगुडी डेज टाइप एक सीरीज बन जाए। आई वॉन्ट टू, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे लिए यही था कि मेरी जो अजीब गरीब कहानियां जो मेरे चाचा, मौसी, बुआ सबने सुनाई, जो कि दे इंसिस्ट बाय द वे कि ये सच्ची कहानियां हैं, ओके? अब उनमें से कितनी सच्ची नहीं, वी डोंट नो, लेकिन यूपी की कहानियां हैं, यूपी में कुछ भी हो सकता है, सो कुछ भी हो सकता है। मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूं जी, तो मुझे पता है, यूपी के अंदर हूं और बहुत साल लखनऊ रहा, काफी दिन इलाहाबाद रहा, कहानियां वहां शाम को बैठ के सुनने का जो वो चलता है, वो भी मैं बैठा हूँ, जिसको अपन अड्डा बोलते हैं शाम का, जहाँ कहानियां आती, कमाल। तो ये 14 कहानियां मैं पढ़ूंगा, पढ़ के मैं आपको इसका मेरा जो वो है, मेरे को एक चीज, बेमुल्की नवाब, हाँ। याद सुना? 94 साल और 83 साल की दो हीरोइनों के साथ, हमारी तीसरी हीरोइन थी आप, it has been amazingly done, tears in my eyes, thank you, the way they have described death, the way they have described puja, khana, phool, paudha, ped, family, khet, everything, it's a must watch, thank you,
please keep making these are amazing. Any questions? I see two very big ones. Please bring it in. Samit Deep Sikdar, I feel every director, in spite of being successful, would feel, oh, that part, that shot, that background sound, there could have been something other way. Does it happen to you too, Tanujit? It does. It happens to me every day. Shoot karne ke baad, when I'm returning home from the set to my house, the only continuous thing that I'm analyzing is what could have been better, what went wrong, what was not good enough, you know. ताकि आई कैन करेक्ट इट समवॉट, यू नो, अभी भी टाइम है, करेक्ट कर सकती हूँ. और फिल्म के बाद तो ऑफकोर्स हमेशा ही ये व्हेन यू वॉच इट यूर लाइक ओह हो, दिस शुड हैव बीन बेटर. एंड आर यू हैप्पी विद द वे यू स्टार्टेड एज अ वुमन फिल्म डायरेक्टर in 96-97, today we are 2020. We have got some very good women directors after that. Alankrita, Sonali, Gauri Shinde, they have come in and they have brought in brilliant, even Meghna Gulzar. Don't forget Aparna Sen. ने वो तो कैसे भूल सकते हैं, वो तो कॉन्गना सेन शर्मा ने भी मूवी बना दी है यार. Yes. वो तो तनिष्ठा ने भी डायरेक्ट की है, पिछले हफ्ते शी वॉज देयर. She also directed, another brilliant name. But are you happy with the quantity? Not at all. Are you joking? Till the time half the directors are not female, we cannot say it's an equal playing field at all. Aadhi mahilaen nirdeshikaen honi chahiye. Tab we can say, achha, ab batao, equality ke baad ab karo. So I feel it's too simple. 20 साल में जो नंबर बढ़ा है, बहुत इतनी स्लो गति से, मतलब इट्स टू स्मॉल एन इंक्रीज. आई वुड से हर साल 25, 50 और होनी चाहिए, यू नो. कम मेंटरिंग चालू कर दो, मेंटरिंग चालू कर दो. अरे मैं तो, यू हैव नो आइडिया कि मैं तो कितना, मतलब आई कीप ऑन आई मीट पीपल ऑल द टाइम, यू नो. सो आई एनकरेज, और आई एम अ पैथोलॉजिकल एनकरेजर. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट. बट यस, आई वांट मोर वुमेन. बिजनेस वुमेन का जो आइडिया था, वो तो खैर सुनी हुई कहानी थी. उसका रिस्पांस कैसा रहा? गुड. It was decent. I would say it was decent. It was not what, say, a great, say, a love story would have got. Yeah, ek sort of comic yeah mythological book would have received. But I was happy with it because ek apna ek choti si jagah bana li thi pustak mein. And also simply because it was a very specialized zone, unusual kahaniya. I hope people have continued even after the launch to continue to read it. Then, you know, maybe 10 saal ke baad people will say ki they know the book much more than the novel. I would like to take one more session only on Business Woman. I will read the book. Okay. I'll tell you, and then you give me a time. We will do it on a Saturday or a Wednesday or a Tuesday, but I want the narratives to stay so that virally it can be pushed. Sure. Right. Last thing. बुआ जी वाला फिल्म बनाने का दिमाग में कैसे आया असर? एक्चुअली वो शुरू से ही मुझे वो दोनों इतनी प्यारी और इतनी फनी, एंड दे वर सो क्यूट कि आई हैड थॉट ऑफ दिस लॉन्ग अगो, मतलब अब से कुछ 15 साल पहले यूज्ड टू थिंक कि इन पे फिल्म बनानी है. लेकिन जब वो दोनों गांव शिफ्ट हुई एक दूसरे के साथ रहने के लिए, उस एक बड़े से पलंग को शेयर करने के लिए, और उनकी जिंदगी है, वेरी स्वीट. मुझे ऐसा लगा मैं मेरे रिश्तेदारों के घर बैठा हूँ आपके साथ बाजू में चाय पी रहे हैं, मतलब कोकोनट के साथ, तंबाकू के साथ, पान मसाले के साथ, फिर कुल्ला. जैसे उन्होंने इतना बोला, बाजू से अब कुल्ला करेंगे. सो इंडियन होम्स, ओ माय गॉड, अमेजिंग. But the one thing that also sold me on the whole idea was ki unke ghar mein jo 6 log unki dekhbhal karte hain from all communities of all ages. Yes, I've seen that. This is what the world should be, I thought. Ki hum ek dusre ke saath, har ek qaum ke vyakti ke saath pyar se kyun nahi jee sakte?
क्यों नहीं, अगर इस घर में ये हो सकता है तो हमारी दुनिया में क्यों नहीं हो सकता. एंड दैट वाज माय दैट वाज द थिंग दैट आई फेल्ट कि दिस इज अ लिटिल हेवन, एक ओएसिस है. ये एब्सोल्युटली दो डायलॉग उसमें दे देता हूँ, जहाँ आप घर के शायद आंगन में जाने का वो चौखट है उस पे आप बैठी हैं और बाजू में वो मोहम्मद जो मुस्लिम कैरेक्टर है वो बैठा है, अदीम मोहम्मद, वो पूछे कब से आ रहे हो, बोले 50 साल से आ रहा हूँ, फॉर 50 इयर्स ही सर्विंग, एंड देन ही सेड 94 की है, 100 तक जाएंगी, अभी कहाँ मरने वरने की बात कर रही है, कहाँ से ये मरेंगी, क्या बात है, ये विश्वास है, ये जिंदगी है, ये डोर है. और उसके लीडअप पे ये लिखा हुआ है जो आपको भी, कि इतनी जिंदगी जो इन्होंने जी है, इनके पास से हमारे को सीखने या जानने के लिए कुछ नहीं है. और वो 45 मिनट सुन लो, कितनी चीजें जानने और सीखने की, कितनी चीजें. थैंक यू सो मच तनुजा, वन ऑफ माय बेस्ट दशहराज, बेस्ट नवमी, बेस्ट दशमी. मतलब कितनी सारी चीजें आ जाए, नवमी भी है, दशमी भी है, सब मिक्स हो गया. एक तो अधिक मास, एक महीना पहले आपने दिया महालया, अब नवमी दशमी एक साथ, खैर यहाँ तो दशमी कल मनेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. आई थिंक आई हैड अ वंडरफुल स्टेटमेंट, वी नीड मोर पैथोलॉजिकल एनकरेजर्स लाइक यू. थैंक यू शी हरसेल्फ, वी नीड मोर पैथोलॉजिकल एनकरेजर्स लाइक यू, शी इज अ ब्रिलियंट राइटर हरसेल्फ. शुभ पूजा, शुभ विजयदशमी, बहुत जल्दी मिलेंगे. आपकी किताब पढ़ने के बाद मैं आपको बोलूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. ऑल द बेस्ट फॉर हैविंग मी. ऑल द बेस्ट. एंड एंड ओटीटीज के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू. क्वेश्चंस बहुत रह गई हैं, बट नो प्रॉब्लम, फिर मिलेंगे. बाय. थैंक यू. तनुजा जी, अपने आप में एक जबरदस्त पर्सनालिटी, और कुछ नहीं बोलना, शुभ पूजा, शुभ विजया. इस वेंसडे को एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे हम सिविक सेंटर में. बाय, गुड नाइट.